इसमें पहले था तरबूज, अच्छा तरबूज का जैसे ही उसका जो फल देना शुरू किया, बीच हाँ खाली जगह में बोदी लगा दिए, तरबूज जैसे टूटा ये बोदी फलना शुरू हो गया अच्छा और ओल में मिट्टी चढ़ाएं उसमें ये घास भी साफ़ हो गया। अब जिसमें साफ करेंगे इसका बाद, इसमें चौथा फसल फिर लग जाएगा। हमको लगता है चौथा फसल लगने में 4 महीना भी नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा 4 महीना में चौथा फसल लग जाएगा। अब खीरा लगाएंगे इसमें और 5.5 महीना में खीरा मेरा तैयार, 5.5 महीने में 4-4 फसल हम निकाल लेंगे। और अभी मैं गोला पहुँच चुका हूँ, गोला समक्ष में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो श्री श्री योगिया बाबा आश्रम के बगल में बहुत ही अच्छा एक किसान है, मैं उसके पास में आपको उनकी पूरा खेती बाड़ी के कार्यक्रम में उनसे आज मिलाऊंगा, और जिसका नाम भोला माता है और जस्ट उसके थी में परिसर में मैं आ चुका हूँ। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहे आप लोग सकल देव ब्लॉग में, ये है ना। तो स्वागत है आपको सकल देव चैनल में। भोला जी आप बताइए कि आप ये खेती का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? खेती का प्रेरणा हम लोग तो वैसे किसान परिवार से ही हैं, हम लोग कुर्मी हैं और कुर्मी किसान के ही खेती के रूप में ही जाना जाता है जी। और हम लोग जो खेती करते हैं, हम लोग पारंपरिक तौर पर पहले से ही खेती करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ नया तकनीक के साथ हम खेती लाए हैं। इधर ओल का खेती नहीं होता था, सिर्फ खाने के लिए आदमी करता था, कुछ 2-4 रहता था बस वही चीज़ प्रयोग करता था, लेकिन हम इसको रोजगार के रूप में किए हैं। और अभी ओल का जो है अभी 19 क्विंटल लगाए हुए हैं और इसके बाद प्रत्येक साल डबल करते जा रहे हैं, इसको लगा दें अगला साल 19 क्विंटल लगाए हैं तो इसको 19 दिन 36 क्विंटल लगा दें, 38 क्विंटल लगाएंगे, कंटिन्यू इस तरह से बढ़ता जाएगा। हाँ ऐसे ही तरह बढ़ाते जा रहे हैं। इसका शुरुआत मात्र हम 3 क्विंटल से किए थे। अच्छा। और आज अभी 19 क्विंटल लगाए हैं और इसमें है कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, जो भी देख रहे हैं घास उस है, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अच्छा, तो ये मान के चलिए कि आप अगर बाजार में इसको ले जाते हैं तो किस तरह से ले जाते हैं? जिस तरह से हम लगाए हुए हैं आगे करके जी, ये कम से कम 50 रुपये किलो बिकेगा। अच्छा, 45 से 50 रुपये थोक में बिकेगा जी, थोक में ही से बाजार नहीं घर से बिक्री होता है। जितना भी मेरा वो उत्पादन होते हैं, अगर यदि मेरे पास 200 क्विंटल रहेगा 200 क्विंटल खपत हो जाएगा, लेकिन पूंजी के ज़्यादा जरूरत पड़ती है जी जी, इस चलते मैं उतना ये नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जितना आप रखिएगा वो उतना खपत हो जाता है, डिमांड उतना ही बाहर से आता है जी। ये तो बहुत बड़ा लेवल में आप सोच रखे हैं, और ख़ास करके वो खेती बाड़ी के मामले में गोला और पढ़ाई लिखाई के मामले में गोला हमेशा आगे रहता है। तो जैसा कि मैं यहाँ करके भी देख रहा हूँ और साक्षात ही इस तरह के बहुत सारा ओल का खेती लगाया गया, जैसा जी आप लोगों ने हमेशा इनके बारे में हम लोग यूट्यूब में और फेसबुक में भी देखता आया हूँ, तो आज हम लोग यहाँ पर आ करके देखे और वाकई में जी जी और वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी मात्रा में है। और इधर बोदी का भी साथ में फसल लगी हुई है, आप देख रहे हैं जहाँ तक देख रहे हैं बोदी और अभी ओल है इसमें लिए हुए। इसमें पहले था तरबूज, अच्छा तरबूज के जैसे ही उसका जो फल देना शुरू किया, बीच खाली जगह में बोदी लगा दिए, तरबूज जैसे टूटा ये बोदी फलना शुरू हो गया। अच्छा। और ओल में मिट्टी चढ़ाए उसमें ये घास भी साफ हो गया। अब जिसमें साफ करेंगे इसका बाद, इसमें चौथा फसल फिर लग जाएगा। हमको लगता है चौथा फसल लगने में 4 महीना भी नहीं लगेगा। अच्छा। अच्छा 4 महीना में चौथा फसल लग जाएगा। अब खीरा लगाएंगे इसमें और 5.5 महीना में खीरा मेरा तैयार, 5.5 महीने में 4-4 फसल हम निकाल लेंगे। और अभी जो तरबूजा निकला था वो किधर था? इसी में था। वैसे में इसी में तरबूज निकाले, उसके बाद मैंने एक बार में 3 फसल लगाए। ओ 3 फसल एक बार में लगाते हैं ना, तो तरबूजा निकल चुकी है। था और घर था बोदी, बोदी था और आपका तरबूज था, ओल था। तो ये ओल जो है मतलब हाइब्रिड वाला है ना? तो देखिए दोस्तों, हम लोग घर बारे में एक दो ओल रहता है तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को बहुत है, यहाँ तो पूरा बागान ही ओल का लगा हुआ है। आज समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खेती करते हैं भोला महतो जी सुंडीमरा का। थोड़ा सा आगे ये क्या है सुल्लू? गवार सिटी, ये गेंदा नहीं है, ये तरबूजा तरबूज है। कट इसको, पहले तरबूज लगाता है। हाँ ये चाहिए, ये तरबूजा कौन सा बनाना? बोले घास सब निकाल करके फिर इसी में डालना है, इसी जड़ में देना है ना, इसे ही खाद बन जाएगा। अच्छा, इसे को जैविक खेती बोलते हैं क्या? प्राकृतिक खेती या जैविक खेती बोलिए जी? तो बादाम जो फुल्ला हो रहा है नेचुरल,
एग्रीकल्चर। ये बगान देख रहा है, सुन लो क्या चीज का है। ऑल ऑल का सुरन जी, तकनीकी मेथड से खेती बाड़ी जो भोला जी कर रहे हैं काफ़ी सराहनीय कदम है। पढ़ लिख कर के जो कृषि के प्रति तकनीकी मेथड से कर रहे हैं ये सराहनीय कदम है। और इसके साथ आप और कुछ करते हैं क्या, सो बताइए। इसके साथ बहुत सारे और काम कर लेते हैं, जो भी काम जैसे आता है सामाजिक काम में भी रहते हैं जी। किसी तरह गांव घर में मीटिंग वीटिंग रहता है उसमें भी शामिल होते हैं, सामाजिक वर्क करते हैं। प्लस कुछ ऑनलाइन का काम भी होता है, उस सब भी करते हैं। जिस किसी का समस्या रहता है उसका भी काम समाधान करते हैं जी। और विशेष तौर पर सहयोग में लगे हुए रहते हैं। खेती बाड़ी से संबंधित किसी का भी शिकायत रहता है, किस तरह का बीमारी रहता है उसका भी जाके हम बताते हैं जाके लोगों को। अच्छा। और किस तरह से करना है। मेरा ही जो तकनीकी है कि हम एक साल में एक ही ज़मीन में 4 से 5 फसल से 6 फसल लेते हैं जी जी, एक ही जगह। लेकिन आदमी क्या करता है, साल भर में 3 फसल ही लेके चुपचाप रह जाते हैं। 3 फसल ज़्यादा से ज़्यादा होता है, 3 फसल या तो 2 फसल ले सकता है एकदम एकदम। लेकिन हम इसमें 4 से 5 फसल आप लोग उगा के दिखाएंगे। अभी तक 3 फसल देखिए तैयार है, 3 फसल मतलब लगा हुआ। 2-1 फसल तरबूज उठा चुके हैं, करीब 20-25 क्विंटल तरबूज इससे निकाल लिए हैं। और अभी जो है आपका बोदी लगा हुआ है, और बोदी के साथ अभी ओल भी लगा हुआ। अब जैसे बोदी खत्म होगा उससे पहले हम खीरा लगा देंगे इसमें। खीरा भी 45 दिन में निकल जाएगा, 45 से 50 दिन में खीरा निकल जाएगा जी। उसके बाद फिर बरसात लास्ट होगा, उसके बाद भी कुछ इसमें लगाएंगे, तब तक ओल निकल जाएगा। अच्छा सर, मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज है जिस तरह के आप फसल में ब्याज करते। आप हमें बताएं बोला जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? मेरा पढ़ाई MA किए हुए हैं, MA क्लियर नहीं किए लास्ट में, ठेकेदारी लाइन में चल गए थे। लेकिन बाद में मेरा किसानी में ज़्यादा इंटरेस्ट आया। अच्छा, तो हम किसानी में उतर गए। तो आप समझ सकते हैं कि MA तक पढ़ाई की हुई, कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, चूँकि कृषि हमारे भारत में बहुत कम लोग पसंद करते हैं पढ़े लिखे, लेकिन ये उतने बड़े बिजनेस छोड़ करके कृषि में ही ध्यान दिया गया। तो लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? लोगों को यही चीज़ कहना चाहेंगे कि किसान कोई भी खेती कीजिए तो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में खेती करना होगा, नहीं तो इनकम नहीं होगा। कुछ छोटे मोटे जो किसान हैं वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा लगा लेते हैं, बोलते लगाए हैं और काम उसी में टाइम देते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद उसको बिजनेस के रूप में नहीं लेते हैं, जिस कारण से उनका इनकम नहीं हो पाता है। बिजनेस के रूप में जिस दिन लीजिएगा, आप कहीं भी काम करने जाते हैं तो 8 घंटा टाइम देना पड़ता है। आप इस कृषि में अगर 5 घंटा टाइम दीजिएगा तो निश्चित से जितना लेबर का काम करते हैं या तो किसी के यहाँ जाकर मुंशी का काम करते हैं उससे ज़्यादा कमाएंगे, उससे ज़्यादा कमाएंगे। रेगुलर अगर आप 5 घंटा टाइम दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा कमाएंगे। अगर 8 से 10 घंटा दे दिए टाइम तो निश्चित है कि एक सर्विस भी फेल हो जाए। ये सब काम आप स्वयं करते हैं कि आदमी भी है? जरूरत पड़ने पर आदमी रखते हैं, नहीं तो स्वयं करते हैं। अभी जैसे घास साफ करवाना रहेगा उस समय ज़्यादा आदमी की जरूरत पड़ेगा, उस समय सिर्फ लगाएंगे और आदमी 5-6 दिन के लिए 3-4 आदमी लगाएंगे, बस हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के सराहनीय कदम। हम तमाम युवा और पढ़े लिखे सभी लोग को सोचना चाहिए कि कृषि प्रधान देश हम लोग में रहते हैं और कृषि को भोला जी सर्वप्रथम इसको रखें। तो हमारे चैनल में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, चलिए थैंक यू। जोहार।